यूपी में बीजेपी लगातार हो रहे उपचुनाव जीत रही है। इन सब के बीच एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या मैनपुरी और रामपुर की सीट भी गंवा देगी अखिलेश की सपा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, यूपी के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को हरा दिया है। यह सीट अमन के पिता और यहाँ से विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी। जाहिर है अमन के लिए तो यह जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के इतर गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी की जीत से यह सवाल भी यूपी के सियासी फिजाओं में तैरने लगा है कि पहले आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट पर जून 2022 में हुए उपचुनाव से शुरू हुआ सपा की हार का सिलसिला कहीं गोला गोकर्णनाथ से होते हुए मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट तक कायम तो नहीं रहेगा। यदि मैनपुरी और रामपुर में गोला गोकर्णनाथ जैसी स्थिति बरकरार रही तो इससे समाजवादी पार्टी और उसकी राजनीति को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वजह यह है कि मैनपुरी और रामपुर दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछले 33 साल से मुलायम सिंह यादव का कब्जा रहा है। मैनपुरी में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही यादव लैंड में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अखिलेश ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो यहां से तेज प्रताप यादव को टिकट देना चाहते हैं। उधर शिवपाल यादव भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मैनपुरी की हवाओं में यह चर्चा भी फैली हुई है कि शिवपाल खुद या अपने बेटे आदित्य को यहां से मैदान में उतारना चाहते हैं। उधर बीजेपी के लिए यह सपा को उसी की गढ़ में मात देने का बड़ा मौका है। जून में आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट पर ऐतिहासिक जीत से उसके हौसले बुलंद है और इसलिए इस बार वह मैनपुरी और रामपुर विधानसभा सीट को भी अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी।